शक्ति की भक्ति किए बिना शिव को पाना असंभव है, क्योंकि शक्ति के बगैर शिव अधूरे माने गए हैं। और इस बात से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति वाकिफ है। तभी तो नवरात्रि हो या फिर शक्ति का कोई धाम, माँ भगवती के प्रति उनकी भक्ति पिछले 45 सालों से नजर आ रही है। 72 साल की उम्र में 9 दिन के व्रत के दौरान इतनी ऊर्जा के साथ काम करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा करके दिखाया है। पीएम मोदी कहीं भी होते हैं, चाहे कितने ही व्यस्त हो, शारदीय और चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों का उपवास रखना कभी नहीं भूलते। पावागढ़ का कालिका धाम हो या फिर कच्छ का आशापुरा माता मंदिर, कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर हो या फिर गुजरात का अंबाजी मंदिर, जब जब मौका मिलता है शक्ति के 51 शक्ति पीठों के दर्शनों से कभी नहीं चूकते। तभी तो 2023 की शुरुआत से पहले ही मां की भक्ति से शक्ति का आशीर्वाद पाने के लिए अपनी कुलदेवी मुढ़ेश्वरी माता के दरबार में पहुंचे। मुढ़ेरा गांव में स्थित मातंगी मुढ़ेश्वरी पीएम मोदी और उनके परिवार की कुलदेवी हैं। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे में पीएम मोदी अपनी कुलदेवी के दर्शन करना नहीं भूले। लगभग 5 साल बाद पीएम मोदी अपनी कुलदेवी के शरण में दिखे। मोड़ समाज की कुलदेवी मातंगी देवी पीएम मोदी की भी कुलदेवी हैं। कहते हैं एक चाय वाले से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, पीएम मोदी का ये राजनीतिक सफर कभी आसान नहीं रहा। चुनौतियों से लड़ते हुए पीएम मोदी ने जितना संघर्ष किया, उतना ही मातंगी मुढ़ेश्वरी के प्रति उनकी भक्ति से शक्ति मिली। जब जब बाधाओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, जीवन में खुद को असहाय महसूस किया, ऐसे समय में पीएम मोदी सीधे अपनी कुलदेवी की शरण में पहुंचे। अब जो कि इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में पीएम मोदी की साख दांव पर लगी है। गुजरात की 182 सीटों पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, अब ये तय होगा। चुनावी इतिहास तो यही कहता है कि दशकों तक यहाँ सिर्फ बीजेपी ने ही राज किया। पिछले 27 सालों से यहाँ की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस बार बीजेपी को हराना आसान नहीं, फिर भी राजनीतिक दल अपने अपने सियासी समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। किसी जमाने में यहाँ कांग्रेस की सरकार चलती थी, लेकिन जैसे ही 1995 में बीजेपी ने कमल खिलाया, तब से लेकर आज तक कांग्रेस ने कोशिशें तो खूब की, लेकिन बीजेपी को सत्ता से हटा नहीं पाई। गुजरात दंगे के ठीक बाद हुए प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार तय मानी जा रही थी, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल रहे मोदी ने न जाने जनता पर ऐसा क्या जादू किया कि 2002 के चुनाव में ही बीजेपी का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा, 182 में से 127 सीटों पर अपना झंडा लहराया। हालांकि पिछले चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस ने नेक टू नेक फाइट दी। इन 27 सालों में 2017 के चुनाव में ही कांग्रेस का सबसे उत्तम प्रदर्शन देखने को मिला, 77 से भी ऊपर सीटें जीती, फिर भी बीजेपी को हरा पाने में नाकामयाब रही। और अब चुनावी मैदान में एक और राजनीतिक खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। अब तक गुजरात की लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस देखी जाती थी, लेकिन अब इसमें आप पार्टी ने भी एंट्री मार ली। पिछले कई दशकों से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी का राज रहा है, ऐसे में एक बार फिर पार्टी यहां पीएम मोदी के चेहरे को भुनाने की कोशिश करेगी। गुजरात के बीते सियासी ड्रामे को देखा जाए तो एक बार फिर गुजरात जिताने की जिम्मेदारी पीएम मोदी के कंधों पर है। ऐसे में चुनावी लड़ाई का शंखनाद करने से पहले पीएम मोदी अपनी कुलदेवी के दर्शन करने नहीं भूले। पीएम मोदी की कुलदेवी मुढ़ेश्वरी माता का ये धाम कितना चमत्कारी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। 16वीं सदी में बना ये मंदिर काफी चमत्कारी है। यहाँ माँ के दरबार में आया उनका कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर से जुड़ी मान्यता कहती है, मुढ़ेश्वरी माता ने अपनी 18 भुजाओं के साथ करनाट नाम के राक्षस का नाश किया था और लोगों को भय से मुक्ति दिलवाई थी। मुढ़ेश्वरी माता के हर हाथ में एक एक हथियार था, इनमें त्रिशूल, खड़ग, तलवार समेत दूसरे हथियार भी शामिल थे। मुढ़ेश्वरी माता मंदिर में उनका यही रूप विराजित है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भी यहाँ पूजा की थी। मुढ़ेश्वरी माता की ये जगह आज मुढ़ेरा के नाम से जानी जाती है, लेकिन प्राचीन काल में इसका नाम मोहरकपुर था। नवरात्रि की शुरुआत में पीएम मोदी ने माँ अम्बे की पूजा की और अब अपनी कुलदेवी के धाम में हाजिरी लगाना। अब ये देखना बाकी है कि माँ की भक्ति से मिली शक्ति आगामी चुनावों में पीएम मोदी को कितनी सफलता दिलाती है।
आज यहां लाखों की संख्या में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने भी आई है। मैं गुजरात सरकार का, भूपेंद्र भाई का और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वे आप सबके बीच में से ले आए और वहां से प्रवेश किया और यहां पहुंचते पहुंचते 15-20 मिनट लग गए गाड़ी में। पैदल आता तो पता नहीं कितना समय चला जाता। इतना विशाल जनसागर, लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं सबके बीच से निकल रहा था तो मुझे आज उन सैकड़ों चेहरों को भी प्रणाम करने का मौका मिला जिनके साथ मुझे कई वर्षों तक काम करने का अवसर मिला था। कुछ तो ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझे दिखाई दिए जिनकी उंगली पकड़ करके मैं कभी चला था। अनेक माताएं ऐसी मिली जिनका मैंने सर झुका के प्रणाम किया, कभी न कभी उनके हाथ से मुझे रोटी खाने का सौभाग्य मिला था। आज मेरे लिए ऐसे सैकड़ों लोगों के दर्शन करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये अपने आप में मेरे लिए धन्य भाग्य था।